गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो अभी जा रहा है अटेंड करने एक आर्ट एग्जीबिशन, जिसको ऑर्गेनाइज किया है अरुणाचल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने। और ये जो आर्ट एग्जीबिशन है ये कल से शुरू हो गया था, यानी कि 15 से, और ये चलने वाला है 18 अप्रैल तक। तो गाइस जाइए और देखिए बढ़िया बढ़िया सा पेंटिंग और आर्ट वर्क। और वेन्यू जो है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली ईटानगर। और ये एग्जीबिशन का टाइम जो है वो होने वाला है 10:30 AM से लेके शाम का 5 बजे तक। तो चलो चलते हैं ईटानगर की और मिलते हैं आपको सीधा हाईवे पे। ईटानगर पहुंच के सबसे पहले JPT को लेना है, और इसके साथ फिर जाना है हमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का जो ऑफिस है वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग निकलेगा एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए। फिर उसके बाद आगे लेट्स सी आज क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। नमस्ते नमस्कार सबको, गुरु का प्रणाम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फायद एक्सर गुरु के। गाइस रोड देखो, भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये वही ईटानगर टू नाहरलगुन वाला रोड है। लग रहा है कि कोई अलग ही जगह पहुंच गया। और गाइस जो रात का टाइम होता है ना, उसमें आपको देखना है, यहाँ पे बहुत सारा आदमी रात को फोटो खिंचाने के लिए आता है। प्लस अभी ये नया नया रोड बन गया ना, तो थोड़ा सा यहाँ में आदमी लोग को अभी जो अपना ड्राइविंग का जो स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी थोड़ा जो ये लेन वाला सिस्टम है ना, इसको फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल तो जो ये रोड है वो तो एक नंबर है, बट लेट्स सी बारिश का बाद भी ये ऐसे का ऐसे रहता है कि नहीं। तो ये लो भाई लोग, पहुंच गए हम विवेक विहार, और ये आ गया JPT का घर। तो JPT को लेने आया था, अभी यहाँ से निकलेगा दोनों। तो ये पहुंच गए हम लोग अभी टूरिज्म ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म अरुणाचल प्रदेश, गेटवे 270। देखो अपना प्रदेश का लोगो लगा रहा। तो यहाँ का काम खत्म। अरे कहाँ रख दिया चाबी के बाद? यहाँ से अभी हम लोग जाएगा। नमस्ते नमस्कार सबको, गुरु का प्रणाम। शुरू का एपिसोड आपको डाला था, देखा था? अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, वेलकम टू आर्ट एग्जीबिशन ऑन वर्ल्ड आर्ट डे। चलो। और एज यू नो मेरा साथ जपट भी आया, जपट JPT का पता नहीं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका अंदर, तो मैं आया इससे पहले कभी। तो गाइस ये लो पहुंच गए हम लोग एग्जीबिशन हॉल में। अभी धीरे धीरे करके आपको एक एक पेंटिंग दिखाएगा। हेलमेट को याद रख देता है, झमेला है। आई होप कि कोई चोरी ना करे। चलो शुरू करते हैं। तो आपको अभी फटाफट जल्दी जल्दी जितना पेंटिंग है उसको दिखा देगा, फिर डिटेल में जो आर्टिस्ट है उससे मिलाएगा। Thank you.
बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है। नेक्स्ट टाइम एग्जीबिशन करता है थोड़ा डार्क रूम में करना है हमेशा। और तुम कहाँ से इतना घटिया पेंटिंग बनाने सीखे? ऐसे आ गया, हमको तो पहले से घटिया पेंटिंग बनाने का शौक है। ये तो जस्ट ट्रेलर है यार, देखो ना अरे कहाँ भाग रहा है। गाइस जेने हाय, इसको तो कौन नहीं आता है। सोशल मीडिया में अभी कुछ भी इवेंट हो या कोई भी फेस्टिवल हो, इसी का आर्ट वर्क चलता है वहाँ पे। तो मेरा पीछे आप जो देख रहे हैं ये भी जेने का ही पेंटिंग है। और बाकी का जो आर्टिस्ट लोग हैं वो लोग अभी लंच कर रहे हैं, तो जैसे ही वो लोग निकलता है बाहर मिलाते हैं आप लोगों से। ये एग्जीबिशन जो है वो अभी और दो दिन चलने वाला है भाई, और दो दिन चलने वाला है। तो आज ये व्लॉग जो है अपलोड हो रहा है, दैट मीन्स कल परसों और दो दिन बचा हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आओ और ये जो अरुणाचली आर्टिस्ट है इन लोगों का आर्ट वर्क का मज़ा लीजिए। कल हम लोग का ऑलरेडी स्टूडेंट्स लोग के लिए हम लोग का पेंटिंग कंपटीशन रखा था, उसमें स्कूल लेवल का था, कॉलेज लेवल का था। यहाँ पे बाहर हम लोग ओपन में यहाँ बाहर में आर्ट कंपटीशन करवाया है, तो उसका रिजल्ट हम लोग 18 को देगा। 18 को यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। अगर आप लग सकेगा तो प्लीज़ आइए देखिए, हम लोग सपोर्ट करिए। सो गाइस वी नीड नो इंट्रोडक्शन, हिज नेम इज जेने हाय। तो अभी हम लोग का गुरु जी लाइव कर वीडियो लेगा तो हम भी साथ में लाइव जाएगा। ये एक्रेलिक पेंटिंग है, एक्रेलिक ऑन कैनवस, और ये इसका टाइटल है हिल ऑफ पीस। इसको हम चाहते ही करके मतलब थोड़ा पीसफुल एरिया, क्राउड से दूर वाला, टाउन से शहर से दूर वाला एरिया बनाना चाहता था। और ये यार पीसफुल सिम्बलाइज करता है ये, तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो यूशी ट्राइबल हंटर है। डिजिटल आर्ट है, ऑलरेडी मेरे पास एक दो वो था कार्टून्स था, तो मैंने सोचा कि सबको एक साथ कोलाज करेगा और एक साथ में डालेगा। ये बस्ती का सीन है, जब हम लोग रात को बस्ती में 6-7 बजे सब लोग सो ही जाता है, तो उस समय में जब दूर से किसी के घर में अभी तक कोई जगह हुआ है आग जलाया है, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन निकलता है आग का, तो वो उसको दिखाने का कोशिश किया। और ये एकदम रात का व्यू, एकदम शांति वाला चीज़ दिखाने का कोशिश किया। यहाँ पे आके अगर किसी को पेंटिंग पसंद आ गया और किसी को पेंटिंग लेना है तो काउंटर में जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत दिन का बाद ना, लास्ट टाइम हम लोग ऑरेंज फेस्टिवल में साथ में था। तो चलो इसका जो आर्ट वर्क है इसका बारे में जानते हैं। ये पी यंगो का व्यू है, जो कि आलो में यंगो रिवर उसका एक व्यू है। ये एक औरत को सिम्बलाइज करेगी, औरत लोग जो होता है एक माँ होता है, बीवी होता है, बहू होता है। तो ट्रैवल औरत लोग खासकर बहुत अपना ट्रेडिशनल काम घर वर संभालने में बहुत बिजी रहते हैं खेती वेती में, तो कभी अपना एक मेंटल थॉट का साथ फीलिंग के साथ ये लोग कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाते मेंटली अंदर ही अंदर। तो जब ये अकेला नदी में रहता है, ये लोग काम कर रहा होता है खेती में, तब एक मौका मिलता है कि अपना मेंटल थॉट का साथ ये लोग एक इंटरेक्शन कर पाते हैं। तो इसमें एक ऐसा सीन है कि ये पत्थर में बैठा हुआ है और ये अपना थॉट्स में इतना डूबा हुआ है कि इसका कुछ इको सुनाई दे रहा है जंगल में, साइकोलॉजिकल है। तो क्या है बोलना, जो उसका मन का आवाज़, जो उसका फीलिंग है वही है। तो ये इसका टाइटल भी ऐसा ही है, इको ऑफ सोल, तो अपना सोल का आवाज़ कुछ ढूंढ रहे जंगल में। एंड बाय द वे सब पेंटिंग में से ये एक जो है मेरा फेवरेट, जून दुलम का जो पेंटिंग है, मेरा पीछे जो देख रहा है, इसका जो टाइटल है बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आप लोग, शेप ऑफ माई हार्ट, नैना दा क्या कसूर, मैया दा ग्रेट, ये है शेप ऑफ माई हार्ट, नैना दा क्या कसूर और मैया दा ग्रेट। तो गाइस मीट रिंगू तालो, कोई भी कैमरा में देखो चलेगा। हाँ। जेपीटी पे इंटरव्यू ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। आप अपना थोड़ा सा पेंटिंग के बारे में बताइए। इसका नाम है द स्टेट्स, स्टेट एंड मेरे स्टेट वर्ड एंड स्टेट ये थॉट, दैट्स व्हाई इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स आवर स्टेट। मैंने इसका नाम दिया द क्रिएटर, क्रिएटर मींस दिस इज पेरेंट्स एक्चुअली। ओके, वन मंथ लगे बनाने में, वन मंथ लगा इसको बनाने में, क्योंकि इसमें आप वो चाहते हुए भी आप स्पीच नहीं कर सकते, जो स्ट्रोक्स होता है ना आप वो स्लोली करना ही पड़ता है। हेलो तर्जुम, और जेपीटी बार बार डिस्टर्ब करने आते हैं मतलब।
बेचारा जिसका इंटरव्यू ले रहा है वो भी कंफ्यूज हो जाता है. बेसिकली मेन फोकस पीछे वाला ही था, डूडल्स. आई एक्चुअली लाइक ड्राइंग डूडल्स. आई जस्ट मीन सिर्फ आगे वाला एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया, इसका टाइटल रख दिया स्माइल. एक्चुअली आई डोंट, मतलब कोई आर्टिस्ट ऐसे होते कि सोच के बनाता, लेकिन हम बनते रहते हैं, हम बनाते जाते हैं. अच्छा, ये जो वाटर कलर है ना, पेन. अच्छा 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 अच्छा, पेंसिल से बाकी मार्कर से. अच्छा अच्छा, तो तर्जुम का ऑलमोस्ट आप जितना काम देख रहे हैं उसमें तर्जुम ने पेन का यूज़ किया है. ओ, और ये कौन आ गया, के फॉर कायूम. चलो तर्जुम, थैंक यू. तो गाइस ये है लिगांग अगस्त और ये इसका आर्ट वर्क. तो हम जो वो एक क्या कहते हैं मम्मी का, मतलब मदर का ऊपर में बेस करके बनाया ना, मम्मी और उसका न्यू बोर्न डायरेक्ट जो सन सन या फिर दोतर होगा ना, उसका चाइल्ड होगा ना उसको. तो हम वही दिखाना चाहता था कि मतलब जब वो चिल्ड्रन जब पैदा होता ना नया नया, तो वो प्योर होते था. तो वो प्योरनेस जो एक मोम को भी, मतलब ना एक मदर को भी एक प्योर बनाते, मतलब एक तरफ से प्योर बनाते, जो हेवनली लाइट है ना, वही जो हेवनली लाइट उसको भी बच्चा में भी वही दिखाने के. अच्छा, ये हम लोग पता नहीं उसमें, मतलब लेट्यू में ये लिगांग तादू बोल के ये था एक ना, तो उसका स्टोरी पे हम बेस करके बनाए इसमें ना. उसको इसका टाइटल जैसे कि सिटिंग तादू बोल के, सिटिंग मतलब हम लोग पता नहीं उसमें भाषा में ना पियर को बोलते. अच्छा अच्छा, तो पहले ऐसा था कि हम लोग बोलता था इसको, बहुत तगड़ा इंसान है ना. तो एक बार ऐसा हुआ था जंगल पे, ये और ये क्या था तादू और ये जो बियर जो झगड़ा करके उसके बाद उसका फेस को छील लिया था, तो ये छील लिया था. थैंक यू बहुत अच्छा बना है. नेक्स्ट जो है मातू मारा. हेलो मातू, तो अपना पेंटिंग के बारे थोड़ा बता दो. ये जो है जो इसका टाइटल नाम वो लिंगो है लगना, तो अभी हमें जो जल्दी लिखा बनना. तो ये जो है लाइक मेरा जो ट्राइब है ना टैगन ट्राइब, तो हम लोग कल्चर में लाइक टैगन ट्राइब एक स्टोरी से एक लाइक चिटा का स्टोरी था. एक कुछ चिड़िया हो जाना बर्ड है, वो जो एक स्प्रिट टाइप है ना, वो जब भी वो जो स्प्रिट जो आता है ना, वो एक किस्म का वो जो करते हैं वापस निकलते हैं. तो हम उसको निम्बो बोलते, तो वो जब निकलते वापस निकलते, तो जब भी वो आते हैं आवाज निकलते, कोई ना कोई जो लाइक डेथ होता है लाइक ना, वो एक किस्म का वो तक गेम पर था गेम पर क्या होता है हिंदी में ये थमरस तक करना. और इसको यूजली इसको डिपिक लाइक जैसे कि एक औरत करना आत्मा से इसको डिपिक करते ना, तो वही हम लिखते हैं. हमको ये सब जो स्पीड चीज चीज़ हमको है ना, हाँ. और हम जैसे में ड्रॉइंग भी स्पीड वगैरह जो हम लोग का जो चैपल का जो होता है स्पीड वगैरह की पुम वगैरह बूथ वगैरह सब का, ये जो है कलर पेंसिल है. अच्छा अच्छा, कलर पेंसिल है. ओके, इसका चिड़ा का वो जो जितना भी आप पेंटिंग जितना भी आप ये आर्ट वर्क देख रहे हैं ये सब कलर पेंसिल से बनाया हुआ है. चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा. थोड़ा सा देख के जाएंगे, पता नहीं. फर्स्ट टाइम असेंबली के अंदर हम लोग घूम रहे हैं. अरे जिंदा है ना आप जिंदा है क्या? गाइस ये मेरा बहन कॉम्पी. तेरा ये रियल है क्या? हाँ, तेरा काम दिखाने दिया. दलाई ने क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर का काम दे दिया, कहाँ से एग्जीबिशन के लिए काम करेगा? क्या कर रहे हो ऐसे? अभी ऐसे तो ये सब जो है बहुत सारा आदमी का फोटोज में देखने मिलता था. फाइनली ये थंबनेल के लिए बहुत मजा आ गया यार, फोटो लेना पड़ेगा. वे जाते आ रहे, जाओ ना. ओए आओ इधर, इससे तो ब्लॉगिंग होने रेडी. ऐसा करके ना कायूम का स्टाइल. सो अभी हम मार्केट पहुंच गए, अभी हम लोग यहाँ पे मैंगो लाइव करेंगे. So from 5XL Guru Ken's camera, I would like to appeal all the subscribers and viewers that please do not forget to like, share and subscribe to his channel, 5XL Guru Ken. तो फिलहाल पता चला कि some of the artists is not present here. तो जितना भी आया उन सबसे आपको मिला दिया. और ठीक समय में गला भी खराब होना. क्या खाया जो गला भी ठीक समय खराब हो गया?
Whoa, man. This is amazing. तो क्या बड़े बड़े पेंटिंग बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तेरा आर्ट वर्क का वो टाइटल लुक खतरा खतरा दा रहे हैं, मजा लगा मैच गाइस जून बुलम चे निकलेगा हम। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से और बारिश देगा होगा पता नहीं। जेपीटी जो हम लोग खिलाने ले जा रहे हैं, कौन कौन कितना खा सकेगा खाओ, पूरा पैसा जेपीटी देगा। जेपीटी वीडियो थोड़ी स्पॉन्सर करेगा। तो फिर भी मोरम लग के हम लोग जो वहाँ जा रहे हैं गोम्पा, वहाँ में मोमो खाने जाएगा। एंड बाय द वे एग्जीबिशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। कैसा लगा कायूम? बहुत बढ़िया। अरे ठीक समय में मेरा आवाज़ भी खराब हो गया। तो अगर आर्ट एग्जीबिशन को अगर आप नहीं देखा, आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दिया। यू हैव मिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इतना बढ़िया पेंटिंग, इतना बढ़िया, वाओ। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि हम लोग कोई क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट रैली में निकला। अरे ये जेपीटी वीडियोस का वाइब है। मैंने तो गोम्पा से निकल के हम लोग अभी जा रहे हैं जेपीटी को छोड़ने के लिए। बस इन बिटवीन हम लोग आई जी पास जाने वाला है। काका जो है वो नया ड्रोन लिया है, तो अभी नया ड्रोन फ्लाई करेगा वो बस में। तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा देर के लिए आई जी पार्क। तो हम लोग पहुंच गया आई जी पार्क। आज क्या बात है, ग्राउंड इतना खाली खाली है। ये आ गया छोटू अपना कनेक वाला बाइक में। काम सच्ची बात बोल देंगे ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। माँ पिताजी का पैसा से ले आ। तो हम लोग जो है आईजी पार्क में इसीलिए आया था क्योंकि कारका जो है वो नया ड्रोन लिया है और वो यहाँ पे अपना नया ड्रोन को टेस्ट करने वाला है। नहीं अभी ठीक होगा। हम जिस दिन अपलोड क्रैश कर गया, हम जिस दिन अपलोड किया था ना, गिरा है इसको। अब दिस इज द मेविक एयर। नहीं गिरा रहा है। अरे ये नहीं, हम इसको बहुत पहले ले आए। हम जब अपलोड किया ना, तब हम परफेक्ट हो गया, तब हम अपलोड किया। ज्यादा दिखाई देता है। और हम लोग यहाँ बस्ती बच्चा जैसे इसका नया नया ड्रोन का मजा ले रहे हैं आजकल। लेकिन ड्रोन लोग ना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। गवर्नमेंट को 1 2 3 फेंक दो, ऊपर फेंको, अरे ऊपर फेंको। छोटू इज ट्राइंग माय बाइक। ओए तुम दोनों खराब मत कर दो रे, समय रहते उड़ा लिया, खुश रहो, अभी वापस बुला लो। असली का ड्रोन तो कहाँ चला गया? ओए करका वो बाइक चला रहा है। दोनों तो उड़ा लिया, अभी ड्रोन को वापस लाने नहीं सक रहे। टेंशन दोनों का चेहरा में टेंशन। ओ तेरी वापस कैसे आ गया करका? खचा। तो गाइस टाइम आ गया व्लॉग को यहाँ एंड करने का। कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया ये व्लॉग, जो दिखाने क्या आया था और क्या क्या दिखा रहा है अभी। आया था सिर्फ एग्जीबिशन के लिए, बट ये गांडुलू को भी मिल गया। आजी रुको ना, आजी गेन जो पूरा डायलॉग मार गया, हम व्लॉग करने ही नहीं बोले, पूरा वही अकेला कर रहा है, हम लोग तो करते ही नहीं होता। सही बात। चलो गाइस गांडुलू का बात सुनने था, व्लॉग को यही खत्म कर देता है। तो थैंक यू गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको मेरे अगले व्लॉग में, मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है।